सो इट वॉज अ ग्रेट जर्नी एंड शी डिड एवरीथिंग एज पर द सिस्टम. कोई भी फंक्शन मिस नहीं किया. इनफैक्ट हम लोग दिल्ली भी गए कन्वेंशन के लिए. लखनऊ कन्वेंशन था एंड लखनऊ कन्वेंशन हिट हर वेरी हार्ड कि कुछ हो सकता है इस बिजनेस से. एंड वहीं से जर्नी शुरू हुई एंड टुडे शी क्वालिफाइड एज अ सिल्वर प्रोड्यूसर. सो नमिता नाउ आई एम ऑडिबल. ओके, यस थैंक यू सर. आई एम नमिता मोदी एंड आई एम सिंगल मदर ऑफ माय फोर चिल्ड्रन. हर औरत कहती है कि मेरी आइडेंटिटी नहीं है. मेरे पास भी कोई आइडेंटिटी नहीं थी. एक नॉर्मल हाउसवाइफ थे यार. एंड इस बिजनेस की जरूरत कहाँ से लगी? करियर में काम और अपनी पहचान की जरूरत कहाँ आई मुझे मेरी लाइफ में? पास्ट 3 इयर्स आई लॉस्ट माय हस्बैंड. तब अचानक से एहसास हुआ कि नहीं, कुछ करना है. 3 साल पहले मैंने काम करना शुरू किया. मेरे क्योंकि मेरी शादी 18 साल में ही हो गई थी. मेरी एडुकेशन भी ज़्यादा नहीं हो पाई थी. इनफैक्ट मेरी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं थी. कोई एक्स्ट्रा टैलेंट भी नहीं था मेरे अंदर. बहुत टफ हो गई थी मेरी लाइफ अचानक से कि क्या करें अब आगे. इसी दौरान मुझे एमवे का प्लान दिखाया गया. मुझे सिस्टम से प्लग इन किया गया. मुझे बताया गया यहाँ पे इतने अच्छे मेंटर्स थे. इतना गाइड किया मेरे को कि कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि तुम अकेली हो. फाइनेंशियली भी बहुत वीक थे. लोग कहते हैं पैसा नहीं है तो आप बिजनेस नहीं सोच सकते, आपको जॉब ही करना पड़ेगा. अगर मेरी एडुकेशन नहीं थी तो मुझे अच्छा जॉब भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से भी कि मुझे कोई अच्छा जॉब दे दे. और मुझे इतने पैसे मिले कि अपने चारों बच्चों को अच्छी परवरिश किया, प्रॉपर उनकी स्कूल फी की फीस भी पे कर पाए. आई बस लुका, प्लान देखा, अच्छा लगा. जो मेरे मेंटर्स थे लियोन सर, रीना मैम, एसके सर, सबने इतना गाइड किया. एक पेरेंट्स की तरीके से मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सिर पे हाथ रखा, दोस्त की तरीके से मुझे पल पल गाइड किया. इतना अच्छा लग रहा था. अंदर से जो डर था क्या होगा कैसे होगा, अनस्टेबिलिटी जो लाइफ में आ गई थी. सब कुछ ठीक तो नहीं हुआ था बट बहुत अच्छा लगने लगा था कि हाँ यहाँ से होने की एक उम्मीद जग गई थी मेरे अंदर. आई वॉज सो हैप्पी. एटलीस्ट एक डायरेक्शन तो मिली जिंदगी में कि आगे क्या करना है कैसे करना है. मेंटर्स थे हमेशा सिर के ऊपर गाइड करते रहते थे. मेरा बेटा 2 साल का था उस समय जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया. एंड पूछता था मम्मी कब आओगी, क्या पापा की फोटो देखना पड़ेगा, जैसे पापा की फोटो देखते हैं क्या तुम्हारी भी फोटो देख के रहेंगे हम लोग. नहीं बेटा, थोड़ा सा टाइम दो, आई विल बी बैक. आज अपनी पूरी फैमिली के साथ लखनऊ शिफ्ट हो पाए हैं सिर्फ इस बिजनेस के विश्वास पे कि हाँ यहाँ से स्टेबिलिटी आ सकती है. मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं था, मेरे अंदर कोई स्किल नहीं थी. मैंने बहुत हेल्प क्या किया, जब सिस्टम में आए तो मुझे बहुत सारी मीडियाज दी गई, बुक्स दिया गया. फंक्शंस मैंने कोई मिस नहीं किया, मुझे अभी तक याद नहीं है मैंने कोई एक फंक्शन मिस किया हो. जब मीडिया सुनते थे, सारे डायमंड्स की कहानी सुनते थे, एमरल्ड्स की कहानी सुनते थे कि कुछ भी नहीं हो रहा उनकी लाइफ में, बट वो काम करते रहे करते रहे करते रहे. उस विश्वास के साथ मैंने भी काम किया. एंड फ्रेंड्स होता है, मेरे साथ हुआ. बहुत अच्छा लगा. जब लखनऊ में मेरी कोई लिस्ट नहीं थी, आई वॉज वेरी न्यू. कोई नहीं, एक दोस्त नहीं, एक परिवार नहीं था, कोई नहीं था वहां पे मेरे पास. मैंने यहाँ से स्किल सीखी, प्रोस्पेक्टिंग की. रोज बाहर निकलते थे, नए नए लोगों से मिलते थे, अपनी लिस्ट को रोज नया बनाते थे. हर रोज लगता था कि आज से शुरू किया है बिजनेस, आज से शुरुआत है, आज करना है. आज 2 लोगों से तो नए लोगों से बात करनी ही है, कुछ तो आज करके जाना है घर वापस. ऐसे करते करते मैंने बिजनेस बिल्ड किया. बहुत टफ हुआ, बहुत तकलीफ होती थी बच्चों को छोड़ के करने में, बट मुझे पता था इसका एंड रिजल्ट क्या है. ये बच्चों को अगर स्टेबिलिटी लाइफ में देनी है तो कुछ तो आपको कंफर्टेबल लाइफ से अलग होके सोचना पड़ेगा. जो सब सोचते हैं वो सोचने से वो नहीं मिलेगा जो हम सोचते हैं. क्योंकि ड्रीम्स बड़ा होना अच्छी बात है बट कुछ तो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा. फ्रेंड्स अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा करके सब कुछ. देन मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा हाथ बढ़ाया मेरे सिर पे कि हाँ तू जो कर रही है ठीक है, तू जो कर रही है ठीक है. देन लखनऊ में एकदम अकेले थे. मेंटर्स बहुत सपोर्ट करते रहे मेरे को, कभी फील नहीं आने दिया अकेले हो. मेरी मम्मा की डेथ हुई, रीना जी वॉज देयर. आंटी ने मेरे को ऐसे गले लगाया, मुझे लगा मेरी माँ है यहाँ पे.
रात को मम्मा की डेथ हुई, वहां गए, सर ने फोन किया, इसके सर का फोन आया, लियोन मेरे को सी ऑफ करने तक आए थे कि हाँ फटाफट से गाड़ी वाड़ी अरेंज करवा के दिया। ये सब बाहरी दुनिया में आपको नहीं मिलता, मेरे को मिला यहाँ पे। अपने खुद के सगे पेरेंट्स भी उतना नहीं करते जहाँ पे मेरे को मेरे मेंटर्स ने संभाला है। इसके सर जब हम रोते थे तो अपना हैंकी देते थे मेरे को कि रो मत, हम लोग हैं, बस तुम तैयार हो जाओ काम करने के लिए तो हम लोग तुमको गाइड करेंगे। लॉकडाउन में जब पैंडमिक आया, सब लोग परेशान, कैसे हो रहा कैसे हो रहा है। थैंक यू, ये जो अचानक से वेबिनार शुरू हो गए, कुछ भी नहीं आता था, जूम सेशंस ने इतना हेल्प किया। आज 5 शहरों में मेरा बिजनेस है, लखनऊ में रहते हैं, मैं 5 शहरों में अलग अलग टीम बना के काम कर रहे हैं, लोग मुझको सुन रहे हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, ऐसे रिकग्निशन के लिए शायद मेरे को हमेशा से ऐसी आइडेंटिटी चाहिए थी जो यहाँ मिली मेरे को, मेरी पहचान बनी, आज दुनिया सुन रही है। एक हाउसवाइफ को कोई इतना नहीं सुन सकता। स्पेशल थैंक्स टू माय फैमिली, माय मेंटर, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, थैंक यू सो मच। Yes, sir.